नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले सराय अकील थाना क्षेत्र के तरना गांव में एक कलयुगी चाचा का बेहद ही शर्मनाक कारनामा सामने आया है। आरोप है कि लालची चाचा ने पैसों के खातिर अपनी बेटी समान सगी भतीजी का सौदा 8 लाख रुपए में सारे रिश्ते और नाते को शर्म से तार तार कर दिया है। इतना ही नहीं, कलयुगी चाचा पीड़ित युवती की मर्जी के बिना चोरी छिपे आज मथुरा से शादी करने के बहाने युवती को सौदागरों के साथ भेजने की फिराक में था। तभी युवती को पूरे मामले की जानकारी हो गई और समय रहते पीड़ित युवती ने पूरी बात अपने मामा को फोन कर बता दी, जिसके बाद युवती के मामा और मौसा कुछ रिश्तेदारों के साथ घर पहुंचे, जहां मामा और मौसा को हैवान चाचा ने बंधक बना लिया और जमकर पिटाई की। युवती की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने सौदागरों के चंगुल से सभी को छुड़ाया। घटना के बाद आरोपी चाचा और सौदागर फरार हो गए। पीड़ित युवती ने मामले की शिकायत एसपी प्रदीप गुप्ता से करते हुए बताया कि उसका पिता बनवारी लाल बेहद ही गरीब और दिव्यांग है। उसके घर में सिर्फ उसके हैवान चाचा की ही चलती है, जो मथुरा जिले से शादी कराने के बहाने उसे सौदागरों के साथ भेजने का प्रयास किया। ऐसे में युवती को अभी भी इस बात का भय सता रहा है कि कहीं कलयुगी चाचा उसे बेचने का प्रयास दोबारा न करे। वही पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी प्रदीप कुमार गुप्ता का कहना है कि मामले की शिकायत मिली है, जांच के आधार पर जो तथ्य सही पाए जाएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो हमारी भांजी है ना, वो हमारे पास कॉल किया कि हमारे चाचा जो है हमारी शादी कर रहे हैं, पैसा देकर जो उसने हमको भेज दिया और आप लोग यहाँ आइए, हमको जो है बुला लिए नहीं, हम जहाँ खाक मर जाएंगे। तो हम जब वहाँ पे हम गए और हमारे जीजा जी जो है वो भी गए, तो हम तो लेके भांजी को बैठा के लेके चले आए और जो हमारे जीजा जी थे उसको जो है बंधक बना लिए, उसको मारने और मार डालने की धमकी दे रहे थे। चाचा लोग पैसा लेके मुझे बेच दिए हैं और मैं तैयार नहीं हूँ शादी करने के लिए। मैं अपने मामा को बुलाई, मैं बोली नहीं आओगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो मेरे मामा लोग गए हैं, मैं नानी के भाग ही आई हूँ, आज मेरी शादी है, मैं नहीं जाना चाहती। कितने में बेचे हैं? 8 लाख। कैसे तुमको पता चला? मुझे पता चला जो ला ला करते हैं, तो मैं जान गई थी ये इतना पैसा पाए कहाँ से है। ये सराय अकील क्षेत्र की लड़की जो बालिग है, उसने ये कहा है कि उसको चाचा के यहाँ वो रहती है और चाचा ने कहीं बेचने की बात की है। किंतु इस मामले में कंट्राडिक्शन ये है कि लड़की की शादी उसके चाचा, चूंकि लड़की के माँ बाप विकलांग हैं, उसके चाचा ने कहीं तय की थी, लड़की उस शादी से सहमत नहीं है, इसलिए उसने अपने मामा और मौसे के कहने पे एप्लीकेशन दी है। इस मामले की पूरी जांच जो है वो सीओ चायल को दे दी गई है, वो दोनों पक्षों से वार्ता कर रहे हैं और इसमें जो जांच के आधार पर सही तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मदनवाल की रिपोर्ट।